नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापक कौन है, कि भारत के प्रमुख शहर या नगर कौन से हैं और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है आपका भी शहर आए और देखिएगा कि आपके शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं हम कोलकाता, और कोलकाता की जो स्थापना की थी किसने की थी, जाब चारनाक। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और कोलकाता की जो स्थापना की थी कौन किया, जाब चारनाक। एक बार आप भी साथ में बोलिएगा, कोलकाता की स्थापना जाब चारनाक के द्वारा की गई थी। अगला आता है मुंबई, और मुंबई की स्थापना ओनाल्ड आगजीय के द्वारा किया गया था। अगला आता है भोपाल, और भोपाल की जो स्थापना किया गया था यह राजा भोज के द्वारा किया गया था, जिसे भोपाल भोज, ऐसे राजा भोज, भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया था। अगला आता है नई दिल्ली, और नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। अगला आता है आगरा, और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे ताजमहल भी है। अगला आता है इंदौर, इंदौर तो आप लोग जानते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और इंदौर की जो स्थापना की थी उसने की थी अहिल्याबाई ने, किसने किया था, अहिल्याबाई ने। अगला आता है धार, 7 नंबर धार आता है, और धार की स्थापना भी राजा भोज के द्वारा ही किया गया था, भोपाल और धार की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया था। अगला आता है तुगलकाबाद, कौन सा, तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद की स्थापना मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था, नाम से स्पष्ट हो जाएगा तुगलक और तुगलकाबाद। अगला आता है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी भी कहा जाता है, और जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था, जयपुर जयसिंह, ऐसे याद हो जाएगा। अगला आता है सागर, जो कि एमपी का एक शहर है, और सागर की स्थापना उदाल साय के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, उदाल साय, जैसे सागर में काफ़ी उछाल आते रहते तो उदाल से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है लखनऊ, और लखनऊ की स्थापना आसफ़ुद्दौला के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, आसफ़ुद्दौला, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला आता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, और प्रयागराज जो इलाहाबाद नाम रखा था उसने रखा था अकबर ने। तो इलाहाबाद की स्थापना यदि हम कहेंगे किसको, किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला आता है झांसी, और झांसी की स्थापना वीर सिंह जुदेव के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, वीर सिंह जुदेव, ऐसे वो जो झांसी की रानी थी काफ़ी वीरवान थी, तो वीर सिंह जुदेव के द्वारा किया गया था। अगला था अजमेर, और अजमेर की स्थापना अजय राज सिंह के द्वारा किया गया था, अजमेर अजय राज, ऐसे करके याद हो जाएगा। तो अजमेर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, अजय राज सिंह के द्वारा। अगला आता है हमारा उदयपुर, और उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, राणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। अगला आता है टाटा नगर, कौन सा नगर, टाटा नगर, और टाटा नगर की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगला आता है भरतपुर, और भरतपुर की स्थापना राजा सूरजमल के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, राजा सूरजमल के द्वारा। अगला आता है कुंभलगढ़, ऐसे कुंभलगढ़ का किला काफ़ी फेमस है, तो कुंभलगढ़ की स्थापना राजा कुंभा के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, राजा कुंभा, तो कुंभल से कुंभा याद हो जाएगा, ठीक है, वैसे नाम एकदम मैच कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा आता है पटना, और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, और पटना का जो स्थापना उदयन ने किया था, किसने किया था, उदयन ने किया था, ठीक है। अगला आता है हमारा मुंगेर, और मुंगेर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मुंगेर की स्थापना की गई थी। अगला आता है नालंदा, और नालंदा की स्थापना राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, राजा धर्मपाल के द्वारा। अगला आता है रायपुर,
और रायपुर की स्थापना ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्रह्मदेव के द्वारा। अगला आता है दुर्ग, और दुर्ग की स्थापना जगतपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगतपाल के द्वारा। अगला आता है देहरादून, और देहरादून की स्थापना राजा जौनसार बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा जौनसार बाबर के द्वारा। देहरादून की स्थापना राजा जौनसार बाबर के द्वारा किया गया था। अगला आता है पुरी, और पुरी की स्थापना गंगचोल के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गंगचोल के द्वारा। अगला आता है द्वारका, और द्वारका की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। अगला आता है जम्मू, और जम्मू की स्थापना राजा जम्मू लोचन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा जम्मू लोचन के द्वारा किया गया था। अगला आता है पूना, और पूना की स्थापना शाहजी भोसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजी भोसले के द्वारा। अगला आता है हैदराबाद, और हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह। अगला आता है अमृतसर, और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।